वेलसम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पैर के थान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत शानदार और बहुत प्यारी और एक प्रैक्टिकल बात यहाँ पर बोली गई है। बोला गया कि डोंट टॉक जस्ट एक्ट, डोंट से जस्ट सो, डोंट प्रोमिस जस्ट प्रूव। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं जिंदगी में, बिना कोई स्टेप उठे उसका बखान करने लगते हैं, उसके बारे में गाते रहते हैं कि ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, पर लेकिन रियलिटी में रिजल्ट ऐसा नहीं आ पाता है। तो रियलिटी में आप लोगों को इस तरीके से किसी के सामने कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। जब रिजल्ट आ जाएगा वो अपने आप लोगों को बता देगा कि हाँ, इस इंसान ने मुझे अचीव किया है। यानी कि आप लोगों को अपने काम पर फोकस करना है 110%। आप लोगों को अपना एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना है, अपना जो डे बाय डे का टारगेट है वो अचीव करना है, तो ही आप लोग अपना जो जो बातें आप लोगों ने सोची है उनको अचीव कर पाएंगे। कई सारे बच्चे अभी रेगुलर मेल कर रहे हैं कि सर, आज की डेट में तो बहुत ज्यादा एंजाइटी यानी कि डर होने लगा है, समझ में नहीं आता चीजों को कैसे लेकर चल रहे हैं। तो यार, सीधा सीधा तरीका ये है कि अपने माइंड को कम से कम ये तो विश्वास दिलाओ कि आप लोग ये पेपर क्लियर करने में कैपेबल हो। जब तक आप लोग यही विश्वास नहीं दिलाएंगे तो आप लोग मेहनत कैसे करेंगे? आप लोग तो इसी डर में जीते रहेंगे, यार ये एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, पढ़ाई आप लोग कर ही नहीं पाओगे। तो पहले उस लेवल से थोड़ा अपने आप को ऊपर उठाओ, अपने आप पर ट्रस्ट तो करो थोड़ा सा। पढ़ाई किया है ना आप लोगों ने, रिविजन किया है ना आप लोगों ने, ये चीजें अपने आप को बोलो, समझाओ अपने आप को, तभी तो चीजें आप लोग नॉर्मल फील करोगे, वरना इसी तरीके से फ्रस्ट्रेट और इरिटेट फील करते रहोगे। तो इससे बाहर निकलो, थोड़ा सा प्रोडक्टिव चीजों के बारे में सोचो। तो काफी शानदार ये आज का डिस्कशन रहने वाला है। आंसर राइटिंग अब तक भी कई सारे बच्चे कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। देखिए, 15 से 20 मिनट निकालकर अगर आंसर राइटिंग कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, अगर आप लोग एक प्रॉपर अपने आप को एक फ्रीक्वेंसी में मेंटेन रखना चाहते हैं। काफी शानदार आज का डिस्कशन रहेगा, काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर देखने को मिलेगा। तो अच्छे से आप लोग इंजॉय कीजिएगा वीडियो को एंड तक। दो वीडियो रहती है डेली रेगुलर, अगर आप लोग प्रॉपर वे में अपना शेड्यूल फॉलो करना चाहते हैं, ये वीडियो आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए। करंट अफेयर आप लोगों की मुट्ठी में होगा, बाकी जो आप लोगों को लगे कि यार ये पीडीएफ चाहिए इस पर्टिकुलर जो डिस्कशन की, तो आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक जो है वो वीडियो के नीचे मिल जाएगा। 130,000 से भी ज्यादा मेंबर यहां पर जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी इसका पार्ट बन सकते हैं। कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें शेयर की जाती है, पीडीएफ शेयर की जाती है, वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाता है। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो सारी चीजें यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। सबसे पहले काफी एक दुखद घटना जो कल देखने को मिली और काफी ज्यादा जो वायरल भी हुई सोशल मीडिया पर, वो थी काबुल एयरपोर्ट के बारे में। काबुल जो है अफगानिस्तान की कैपिटल है, उसका जो एयरपोर्ट है वो आज के डेट में यूएसए के कंट्रोल में है कंप्लीट। इसके आसपास वाला रीजन अगर आप लोग देखेगा तो ये बेसिकली फंडा क्या है यहाँ पर, कि जो भी आज के डेट में अफगानिस्तान के अंदर फंसे हुए हैं उनको, लोगों को निकालने की कोशिश की जाती है इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट के थ्रू। आज की डेट में वहां पर लगभग 1500 के करीब इवन आप लोगों को यूएसए के भी जो लोग हैं वो फंसे हुए वहां पर मिल जाएंगे, तो उनको भी निकालने की कोशिश की जा रही है। कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि G7 कंट्री के द्वारा कोशिश की जा रही है कि वहां पर शांति बनाकर रखी जा सके, उसके ऊपर बयान दिया गया उनके द्वारा। तालिबान को यह बोला गया कि अगर कोई वहां से निकलना चाहता है तो उसको अलाउ करो। तालिबान ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम किसी को इस तरीके से अलाउ नहीं करेंगे, खासकर अफगानिस्तानियों को तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अफगानिस्तान के डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट जो है वो देश छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, उनको लग रहा है कि यहां पर रहेंगे तो मारे जाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने न्यूज भी सुनी होगी कि जो पैरा ओलंपिक अभी चल रहा है यहां पर बेसिकली टोक्यो के अंदर, उसमें दो पैरा ओलंपिक एथलीट को भी वहां से निकाला गया है। जब पूछा गया उनको कहां पर रखा गया तो वो बताने से मना कर दिया उनके द्वारा, क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जब देश से भाग जाते हैं तो देश में क्या बचेगा? फिर ट्राइबल कम्युनिटी और जो भी यहां पर अनप्रोडक्टिव आदमी मैक्सिमम तालिबान के जो लड़ाके वो सब देखने को मिलेंगे। तो इसलिए तालिबान ने क्या किया, अब सबकी बात न मानते हुए वहां पर ब्लास्ट करने स्टार्ट कर दिए, जिसके चलते लगभग 20 लोगों की जान चली गई। इसी के साथ में कई सारे लोग जो हैं वो भी एक तरीके से हताहत हुए, यानी कि उनको कई सारी चोटें लगी, किसी के हाथ कटे, किसी के पैर, किसी का कुछ और दिक्कत देखने को मिली। तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को इसलिए मिल रही है क्योंकि तालिबान चाहता है कि यहां से कोई भी निकलकर बाहर न जाए, खासकर अफगानिस्तान वाले तो बिल्कुल न जाए, दूसरे देश के अगर जा रहे हैं तो वो जाते रहे। अभी कई सारी ऐसी वीडियो यहां पर वायरल हुई। हमारे लिए यहां पर एक दुखद घटना यह है कि लगभग 140 हिंदू और जो अफगानिस्तानी सिख हैं उनको रोक लिया गया तालिबान के जो यहां पर ग्रुप है उनके द्वारा, तो इसके चलते वो काबुल एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाए, तो इसके चलते हम लोग उनको वहां से निकाल नहीं पाए, तो ये भी बुरी कंडीशन देखने को मिली। तो हमारा एयरफोर्स का जो प्लेन था वो ओनली 24 इंडियन और इसी के साथ में 11 जो नेपाली लोग हैं उनको लेकर फिर यहां पर आ गया। देखिए, यहां पर आप लोग देखते हैं अपनी कंट्री का बड़ा दिल, हम लोग यहां पर हर एक इंसान की हेल्प करते हैं जो इस तरीके से कंडीशन में कहीं फंसा होता है। पहले हम लोगों ने और भी कई सारे ऑपरेशन चलाए, वहां पर भी हम लोगों ने इसी तरीके से हेल्प किए, तो ये एक काफी एक बड़ी बात आप लोग बोल सकते हो कि हाँ, इस तरीके से हम लोग आगे निकल निकल कर आते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए।
चलिए जो भी है, बुरी कंडीशन में अगर कोई है उसकी हेल्प हमेशा होनी चाहिए, तो ये मानना है। बाकी आप लोग जानते हैं चीजें, ये सारी सिचुएशन देखते हैं कब तक नॉर्मल हो पाती है। आइए पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन रखूंगा, उनके आंसर आप लोगों को देने, इसके बाद में फिर हम लोग एडिटोरियल डिस्कस करेंगे डिटेल में, और फिर वीडियो के एंड में हम लोग न्यूज एनालिसिस का पोर्शन करेंगे, और जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा उनका आंसर भी वीडियो के एंड में आप लोगों को दूंगा। तो काफी प्यारा काफी इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन हमारा कंटिन्यू आगे चलने वाला है। एक छोटी सी बात आप लोगों से, कल का जो डिस्कशन था वो बेसिकली दो पार्ट में आया। पहला पार्ट जो था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, अनफॉर्चुनेट कंडीशन बनी जिसकी वजह से जो वीडियो थी वो टर्मिनेट हुई। तो ये कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है, तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसका पार्ट सेकंड जरूर आएगा। ये आप लोगों को मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे बेसिकली ये रखना है, ये ऐसा नहीं है कि नहीं छोड़ दूंगा ऐसे ही नहीं यार रहने दो उसको, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट होगी उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिए, और जो भी आर्टिकल बचते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बारे में भी आप लोग टेंशन मत लीजिए। आज फिर एक काफी प्यारा आर्टिकल मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों ने पेगासस वायरस के बारे में काफी कुछ पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। पेगासस स्पाईवेयर के रेफरेंस में यहाँ पर आप लोगों को आंसर देना है। बोला जा रहा है कि ये डेवलप किया गया रशिया की फर्म एनएसओ के द्वारा। दूसरा बोला गया यहाँ पर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर और मोलवेयर, एक मालवेयर आप लोग बोल सकते हैं, जो कि क्लासिफाइड है एज ए स्पाईवेयर। तो यहां पर आप लोगों को आंसर देना है। तो ए आंसर क्या है, ओनली वन, ओनली टू, ओनली बी, यानी कि बी में है, बेसिकली सी में है वन और टू, और डी में है नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं बता रहा हूं, यहां पर मैक्सिमम जो बच्चे हैं इसका आंसर जो है वो गलत देने वाले हैं। रीजन आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा, देखिएगा आप लोग मैंने सही बोला था या फिर गलत बोला था, और कौन कौन इस चीज को लेकर कंफ्यूज हुआ, वो बातें हम लोग देखेंगे वीडियो के एंड में। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन। ये आइलैंड कई बार काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, तो ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है। बात की जा रही है यहाँ पर मार्शल आइलैंड के बारे में। तो मार्शल आइलैंड कहां पर लोकेटेड है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन या फिर मेडिटेरेनियन सी? तो ये आप लोगों को आंसर इसका बताना है, इसका आंसर भी मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में दूंगा। तो दोनों क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, फिर वीडियो के एंड में मैं इनका आंसर आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए एक क्वेश्चन और बताइए आप लोग, हालांकि हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एक सस्ता सा क्वेश्चन है, ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, कई बार एग्जाम में पूछ ली भी जाती है और आप लोगों को पता भी होना चाहिए। बात की जा रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन था, यहाँ पर नेशनल एंथम जिसमें गाया गया था, यानी कि कौन सा ऐसा सेशन था जिसमें पहली बार नेशनल एंथम गाया गया था, तो ये कहां पर गाया गया था और ईयर भी आप लोगों को पता होना चाहिए, कोलकाता, बॉम्बे, लाहौर या फिर अलाहाबाद? तो सही आंसर बताइए। ये वो क्वेश्चन है जो पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके चांसेस बन जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से इनके आंसर दीजिए। बाकी वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिए, सब क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। आज एक काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो बेसिकली कार्टून है। ये कार्टून आप लोगों को बताना है क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर बीजेपी का सिंबल बना हुआ है, यहाँ पर कुछ लोग लड़ रहे हैं और यहाँ पर भी आप लोगों को ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये क्या दिखा रहा है आज के डेट की अगर पॉलिटिक्स आप लोग समझे यहाँ पर, तो 40 से 50 शब्द में आप लोग इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, देखता हूँ कौन अच्छे से एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे देख के। देखिए कार्टून है डेली नहीं आ रहा है, कई सारे बच्चे बोले सर पहले कार्टून डिस्कस करते थे, अब कार्टून डेली नहीं आता है, बीच बीच में ये कार्टून देते हैं क्योंकि थोड़ा पैटर्न चेंज किया गया हिंदू के द्वारा, तो इसलिए कार्टून डेली नहीं आता है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर। आइए अब आर्टिकल देखते हैं कौन कौन से हम लोग को डिस्कस करने हैं। जो यहाँ पर ये सबसे पहला आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बेसिकली बात कर रहा है आज की डेट में कोविड 19 के चलते जो स्कूल खोले जा रहे हैं तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बोल रहे स्कूल तो खोल रहे हैं, पर लेकिन अगर बात करें हम लोग, चलिए नौवीं क्लास से ऊपर के आप लोग स्कूल खोल रहे हैं समझ में आता है, उसके नीचे की अगर आप लोग बात करिए यहाँ पर, अगर स्कूल आप लोग खोल रहे हैं अभी, आप लोग देखिए बच्चे हैं जो उनको आज की डेट में आप लोगों ने दवाई नहीं प्रोवाइड कराई है, 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, 45 साल से या फिर ऊपर 45 से ऊपर के लोगों को दवाई प्रोवाइड कराई गई है, उससे नीचे के लोगों को आप लोगों ने दवाई प्रोवाइड नहीं कराई है। तो अगर इस तरीके से आप लोग स्कूल खोल रहे हैं तो ये काफी ज्यादा खतरे का रीजन बन सकता है उन लोगों के लिए, खासकर जिनकी बॉडी में अब तक कोई इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी डेवलप नहीं हुई है कोविड 19 को लेकर, तो इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। एक और छोटी सी बात यहां पर बोली है 5 सितंबर के बारे में, तो 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाना है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप लोग कम से कम टीचर्स को सबको यहाँ पर वैक्सीनेट कीजिए, जो स्कूलिंग स्टाफ है कम से कम उसको सबको वैक्सीनेट कीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बच्चों के साथ में वही तो डील करेंगे, अगर वही यहाँ पर प्रॉपर वे में इस तरीके से यहाँ पर आज की डेट में वो वैक्सीनेट नहीं है तो कैसे काम चलेगा। तो ये बात यहाँ पर बोली गई है, डेल्टा वेरियंट जिस तरीके से फैल रहा है देश के अंदर, तो और बुरी कंडीशन देखने को मिल सकती है। अभी यहाँ पर 12 से लेकर 18 साल के बच्चों पर सबसे पहले फोकस होना चाहिए जिनको स्कूल में भेजने की आप लोग बात कर रहे हैं। तो ये कोविड 19 के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन है, एक ओवरव्यू कम से कम आप लोगों के पास में होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है।
बाकी नीचे वाला जो आर्टिकल है ये काफी एक इंपॉर्टेंट प्यारा आर्टिकल है, काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, आप लोग क्या बताओगे, कब प्राइवेट बोलोगे और कब डिसइन्वेस्टमेंट बोलोगे, इसके बारे में बात करेंगे। किस तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट होता है, किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है डिसइन्वेस्टमेंट करने की, अब तक किस किस एरिया में डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, तो ये काफी प्यारा आर्टिकल है। कुछ तो आर्टिकल के अंदर चीजें हैं वो डिस्कस करूंगा, बाकी बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। ये आर्टिकल जो है आज आया है यहां पर, यानी कि 27 अगस्त को आया। हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था 19 अगस्त को डेटा के बारे में, यानी कि डेटा की अवेलेबिलिटी के बारे में, तो उसी का रिप्लाई देते हुए ये आर्टिकल है। तो थोड़ा सा नजर इसके ऊपर में डालेंगे हम लोग, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं आप लोग बोल सकते, पर हाँ जो पुराना आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था वो डेटा की अवेलेबिलिटी न होने का वो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, उसका भी थोड़ा रिविजन हम लोग करेंगे, ठीक है। अफगानिस्तान के अंदर जो क्राइसिस देखने को मिल रहा है उसी के बारे में बात की जा रही है, तो ये आप लोग चीजें देख ही रहे हैं आज के डेट में कि क्या क्या चीजें चल रही है। तो आज की डेट में अलग अलग कंट्री अलग अलग तरीके से अफगानिस्तान को देख रही है, तो उसी के चलते फिर से यहां पर ये बेसिकली एक आप लोग को आर्टिकल देखने को मिल रहा है। तो वही सारी बातें अभी जो जो चल रहा है उसके चलते डेली आप लोग अफगानिस्तान के बारे में कोई ना कोई आर्टिकल देखने को मिलेगा। बैठकर टॉपिक को एक बार तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से जो इश्यू है, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, लोग मर गए, वो सारी चीजें एग्जाम में आप लोगों से नहीं पूछी जाती है, ठीक है। एग्जाम में आप लोगों से बेसिकली हिस्ट्री पूछी जाएगी, क्या सिनेरियो है, इंडिया का क्या एंगल है, इंडिया के लिए क्या थ्रेट है, जो मैं आप लोग कई बार बता चुका हूं, ठीक है। तो टाइम लगेगा तो एक बार वो रिवीजन कर दूंगा, खासकर उनके लिए जो पहली बार लेक्चर देख रहे हैं, वरना तो कई बार आप लोगों से डिस्कस मैं कर ही चुका हूं, फिर आगे आर्टिकल आगे फिर डिस्कस कर लेंगे। तो ऐसा कोई आर्टिकल अगर होता है तो टेंशन मत लेगी जो उसके आर्टिकल की, क्योंकि रेगुलरली आर्टिकल आगे भी आने वाले हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से बिल्कुल ऐसे बजट आता है ना, पहले आर्टिकल प्रस्तुत होने लगते हैं, तो ये आर्टिकल आप लोग बैठकर एक बार A4 साइज की सीट लीजिए और कंप्लीटली उसके सारे नोट इकट्ठे कर लीजिए, उसके सारे पॉइंट इकट्ठे कर लीजिए और एक जगह उसको लिख लीजिए, ताकि आंसर राइटिंग में देना, प्रीलिम्स में लिखना हो आप लोगों को, बेसिकली एसए के अंदर अगर कुछ पॉइंट आप लोगों को लिखने हो, इंडिया के रेफरेंस में कुछ बातें लिखनी हो, तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। ये वैसे तो पॉलिटिकल आर्टिकल है, पर लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हमारी कंट्री में जो इलेक्शन में यूज होता है, क्या है ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसके बारे में समझेंगे। ये आर्टिकल है यहाँ पर बेसिकली ये बात कर रहा है आज के डेट में गिद्ध के बारे में, हमारे देश में जो वल्चर होते हैं, गिद्ध होते हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, इसके बारे में क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, बताऊंगा किस तरीके से पूछा गया क्वेश्चन और अभी इस आर्टिकल को हम लोग डिस्कस करेंगे। डेटा पॉइंट बता रखे हैं यहाँ पर, इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। तो आइए सबसे पहले एक ऐसा आर्टिकल मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और ये बात करता है डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट आखिर होता क्या है उसके बारे में समझेंगे, हमारी कंट्री में क्या पहले भी डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है वो भी बातें जानेंगे। पहले आप लोग ये देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट को अगर आप लोग देखिए क्या पहले भी हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा डिसाइड किया गया था कि हम लोग यहां पर 63,000 करोड़ के करीब यहां पर डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तिरसठ हजार करोड़ के करीब हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये यहाँ पर इसमें से 47% के करीब ही कर पाए, यानी कि 29,000 करोड़ यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट ये कर पाए। मनमोहन सिंह जी के द्वारा जो बोला गया था, ये 1,33,000 करोड़ बोला था कि डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, पर लेकिन यहाँ पर ये 92,000 के करीब यहाँ पर कर पाए, यानी कि 70% अचीवमेंट ये कर पाए। अटल बिहारी वाजपेयी ने 47% अचीवमेंट किया, मनमोहन सिंह जी ने 70% अचीवमेंट किया, और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा भी यहाँ पर 91 अचीवमेंट कर लिया गया। इनके द्वारा यहाँ पर लगभग यहाँ पर 3,00,000 करोड़ डिसइन्वेस्टमेंट की बात की, और जो एक्चुअल रिसिप्ट यहाँ पर देखने को मिला 2,80,000 के करीब यहाँ पर चीजें सामने निकल कर आ रही है, यानी कि आज की डेट में सबसे जो लार्ज स्केल पर डिसइन्वेस्टमेंट हमारे देश में किया जा रहा है, तो वो प्रेजेंट टाइम का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। तो इसलिए आप लोगों को सबसे पहले तो मैं कॉन्सेप्ट बता दूं डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में, बाकी अगर देखें यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि एकदम कहीं से निकल कर आ गया, हमारी कंट्री में बजट में इसके बारे में बातें की गई थी कि हाँ डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ पर हमारे देश में किया जाएगा, उसके चलते यहाँ पर पैसा आएगा और फिर उस पैसे को हम लोग नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। ये सारी बातें डिस्कस करूंगा, पहले आप लोग डिसइन्वेस्टमेंट समझिए होता क्या है। डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में अगर कोई आप लोगों से डिफरेंस पूछे क्या होता है, मान लीजिए कोई कंपनी है ए, उस कंपनी के पास में सारे शेयर उसी के पास में है, मान लीजिए उस कंपनी के 100 शेयर हैं, 100 शेयर मान लीजिए उस कंपनी के पास में, अगर थोड़ा सा वो नॉर्मल भाषा में समझना चाहते हैं, एक कंपनी है जो कि एक तरीके से पूरी कंपनी की जो वैल्यू है वो 100 रुपए है, यानी कि वो पूरी कंपनी 100 रुपए की है, ऐसे समझ लीजिए नॉर्मल भाषा में, ठीक है। अब वो कंपनी चाहती है कि यार जो इसकी ये वैल्यू है यहाँ पर ये 100 रुपए है, ये बेसिकली कुछ पैसा चाहती है एक तरीके से, इसके पास में कुछ प्रोडक्ट है ये 100 रुपए के हैं, ये चाहती है इनको बेचकर कुछ पैसा उठा लिया जाए मार्केट से, ठीक है। तो ये क्या करेगी, अपना बेसिकली 5% अपने शेयर बेच देगी, ठीक है। तो 5% शेयर के बदले में यहां पर इसको कुछ पैसा मिल जाएगा, बेसिकली शेयर इन द सेंस आप लोग ऐसा लग लीजिए कि इस कंपनी के पास में कंपनी है एप्पल बेचने वाली, और इस कंपनी के पास में 100 एप्पल है, ठीक है, ऐसा आप लोग याद रख लीजिए। तो 100 एप्पल में से अगर ये 5 एप्पल बेच दे अपने, तो इसका मतलब ये कि 5 एप्पल के बदले इसको पैसा मिलेगा, जो तो 5% का जो पैसा मिलेगा फिर उसको यूटिलाइज
यूटिलाइज कर सकता है आगे, ठीक है, कुछ और काम में अपने यूज करने के लिए। तो यहां पर अगर इस तरीके से कंपनी अगर बेचते बेचते एक टाइम ऐसा आ जाए किसने अपने 50 एप्पल बेच दिए, अब 50 एप्पल तो उस कंपनी के पास चले गए जिसको इसने बेचा है, मान लीजिए वो कंपनी बी है और 50 एप्पल इसके पास में रह गए। अब यहां पर ये समझिए इसने आधे एप्पल अपने बेच दिए, तो आधे एप्पल पर किसका हक हो गया, बी का हो गया, आधे एप्पल पर ए का हक हो गया। तो अब जो अगर कोई भी डिसीजन यहां पर लिया जाना होगा तो दोनों मिलकर अगर सहमत होंगे उस डिसीजन पर तो ही वो फाइनल होगा, वरना यहां पर सहमत नहीं होंगे तो फाइनल नहीं होगा। अगर ये ए कंपनी जो है एक और एप्पल बेच दिया अभी यहां पर, यानी कि यहां पर जो हो गया बी के पास में 51 हो गए और इसके पास में ओनली 50 रहे, इसके पास में ओनली 49 रह गए, ठीक है, यानी कि 49 रह गए। अब यहां पर क्या होगा, जो बी कंपनी है अब उसके हाथ में पावर आ चुकी है क्योंकि मेजोरिटी शेयर होल्डर ये हो गई है। अब यहां पर ये कोई डिसीजन लेगी तो यहां पर इसको भी मानना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम शेयर इसके हाथ में चले गए, अब डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी इसके हाथ में चली गई है। तो जब तक यहां पर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी ए के हाथ में रहेगी तो इसका मतलब ये कि डिसइन्वेस्टमेंट है, यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये कि मैक्सिमम शेयर जो है वो गवर्नमेंट के पास में है और गवर्नमेंट जो है कुछ शेयर बेच रही है पैसा उठाने के लिए मार्केट से, क्योंकि उस पैसे को यूज करना चाहती है अलग अलग एरिया में। पर लेकिन अगर वो 51% हो जाए तो यहां पर इसका मतलब ये है अब प्राइवेट पावर के हाथ में ओनरशिप चली गई है, अब वो डिसीजन लेंगे और गवर्नमेंट को भी यहां पर मानना पड़ेगा। तो ये होता है बेसिकली प्राइवेटाइजेशन, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट जब तक 50% है तब तक सही है, पर लेकिन अगर वो 50% से ऊपर बढ़ गया, 51 हो गया, तो इसका मतलब ये कि वो प्राइवेटाइजेशन हो गया। तो डिसइन्वेस्टमेंट बियॉन्ड 50, ठीक है, जो एक तरीके से ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट चला जाता है यहां पर, तब एक आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहां पर वो प्राइवेटाइजेशन की कैटेगरी में आता है। पर लेकिन बिलो 50 यहां पर ये गवर्नमेंट के हाथ में पावर रहेगी, तो इसमें यहां पर कोई भी चिंता यहां पर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलग अलग नाम से इनको पुकारा जाता है, इसको यहां पर बेसिकली माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है, ठीक है, मेजोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है और कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन बोला जाता है। कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन का मतलब है यहां पर एक तरीके से 100% कंट्रोल हो गया यहां पर जो बेसिकली कंपनी है जिसके द्वारा चीजें खरीदी गई है। माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, ए मेजोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट इज वन सच दैट कि एक तरीके से गवर्नमेंट रिटेन मेजोरिटी ऑफ स्टेक, यानी कि एक तरीके से ग्रेटर देन 51, तो इसका मतलब ये कि माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि एक तरीके से कुछ पोर्शन बेचा है, ये माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आ गया है, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग यहां पर ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट के हाथ में ही जब पावर रहती है उसे माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट आप लोग बोल देते हैं। मेजोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट यह भी गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली माइनॉरिटी बन गया है, उसके हाथ में अब यहां पर चीजें जो है वो मैक्सिमम नहीं बची है और कंप्लीट यहां पर जो प्राइवेटाइजेशन के हाथ में पहुंच गया, तो ये कंप्लीट बेसिकली हो गया। अब यहां पर जिस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं अगर हमारी कंट्री में कुछ ऐसे पीएसयू हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि लॉस मेकिंग है, जैसे बीएसएनएल के बारे में बात कर लीजिए, काफी लंबे समय से एयर इंडिया के बारे में बात कर लीजिए, ठीक है, कई सारी ऐसी कंपनी है जो कि लॉस मेकिंग है, अगर उनको हम लोग बेचते हैं तो समझ में आता है क्योंकि ये लगता है कि यहां पर यार ये कंपनी जो है ये गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, उतना पैसा नहीं आ रहा है, तो इनको अगर बेचा जाए तो समझ में आता है। पर लेकिन जो यहां पर अगर बात करें उन कंपनी को भी अगर बेचने की बात की गई जो कि यहां पर अच्छा खासा प्रॉफिट बना रही है, तो फिर ये हो गया कि सोने के मुर्गे देने वाली अंडी, अंडा सोने के अंडे देने वाली मुर्गी आप लोग बेच रहे हैं। मतलब क्या हो गया इसका, एक इंसान था वो सोने की एक मुर्गी लेकर आया, वो सोने के अंडे देती थी, वो डेली एक सोने का अंडा देती थी। अब इंसान का लालच है तो लालच तो लालच होता है, लालच बुरी बला है, आप लोगों ने देखा होगा वो कभी रुकता नहीं है। तो उसने क्या किया, उस मुर्गी को सोचा कि यार जब ये डेली एक अंडा देती है इस मुर्गी के अंदर कितने अंडे होंगे, अगर मैं इस मुर्गी को मार के इसके अंदर से सारे अंडे एक बार में निकाल लूं, तो इसको कहते हैं एक तरीके से, उन्हें कहते हैं एक तरीके से मुंगेरी लाल के सपने कि एक अंडा मिला उसके बाद में उससे एक अंडे से मुर्गी निकली, फिर उसको मुर्गी से फिर अंडे निकलेंगे, फिर और मुर्गी होगी, फिर और अंडे होंगे, मैं पूरा एक प्लांट लगा लूंगा मुर्गी का, वहां पर बहुत सारे अंडे होंगे, बहुत सारी मुर्गी होगी, मैं बेचने लगूंगा, फिर अलग अलग शहर में मेरे प्लांट हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके सारी चीजें हो जाएंगी। तो फिर क्या हुआ, सपना देख रहा था, सपने में जो एक अंडा था वही फोड़ दिया उसने, ठीक है। तो ये होते हैं मुंगेरी लाल के सपने एक तरीके से। तो यहां पर इंसान जो है अगर प्रोडक्टिवली काम नहीं करेगा, इस तरीके हरकतें करेगा, तो यहां पर आप लोगों को ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहां पर अगर कोई पर्टिकुलर पीएसयू प्रॉफिट मेकिंग है, मान लीजिए अब की बार उसने 500 करोड़ का प्रॉफिट दिया, अगले साल फिर 500 करोड़ का प्रॉफिट दिया, अगले साल फिर 500 करोड़ का प्रॉफिट दिया, पर लेकिन आप लोग इसको बोलने लगे कि इस पीएसयू को 1000 करोड़ में हम लोग बेच देते हैं, तो क्या ये फायदेमंद है, ये हर साल 500 करोड़ का प्रॉफिट दे रहा है और आप लोग बोल रहे हैं इसको 1000 करोड़ में बेच देते हैं इसको, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया कि बेवकूफी वाले डिसीजन यहां पर लिए जा रहे हैं। इन्हें कहने का मतलब यहां पर ये कि वहां पर डिसइन्वेस्टमेंट या फिर प्राइवेटाइजेशन करने में फायदा है, जहां पर लॉस मेकिंग पीएसयू है उसको प्राइवेट के हाथ में दे दो, अगर आप लोगों को लगता है वो उसको सुधार सकता है, चलो समझ में आता है कि वो उसको सुधार लेगा, अगर आप लोगों को इतना अच्छा लग रहा है कि हाँ वो सुधार लेगा तो उसके हाथ में यहां पर दो। तो यहां से जो पैसा आता है उसके बारे में अगर बात करें तो गवर्नमेंट क्यों करती है डिसइन्वेस्टमेंट, तो देखिए उसके पीछे कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहां पर बात की जा रही है यहां पर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के बारे में। यहां पर जो भी अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट आएगा
39% वहां पर शेयर रहेगा सेंटर का, 39% शेयर रहेगा स्टेट का, इनके मेजोरिटी रहेगा सेंट्रल स्टेट का। बचे हुए 22% जो रहेगा यहाँ पर वो प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर निकल कर आएगा। यानी कि अगर हमारी कंट्री में एनर्जी के फील्ड में कोई इन्वेस्टमेंट करना है, रोड बनानी है, इरीगेशन, रूरल एग्रीकल्चर या फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम करना है, मोबिलिटी के बारे में काम करना है, रेलवे का डेवलपमेंट हम लोग को करना है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, पोर्ट या फिर एयरपोर्ट हम लोग को डेवलप करने हैं, तो इसके लिए पैसा चाहिएगा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ गवर्नमेंट ये सारा काम कर लेगी तो गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है, गवर्नमेंट के पास में इतने रिसोर्सेज देखने को नहीं मिलेंगे, तो प्राइवेट की हेल्प उनको लेनी पड़ेगी। पर लेकिन वो प्राइवेट की जो हेल्प इनको लेनी पड़ेगी वो कहीं ना कहीं एक तरीके से उसको भी प्रॉफिट का फिर फायदा उसको भी देना पड़ेगा। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पैसे की जरूरत पड़ेगी काफी जी, इसीलिए डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिड्यूस करने के लिए फाइनेंशियल बर्डन। यानी कि एक गवर्नमेंट अगर कुछ काम करना चाहती है, कहीं पोर्ट बनाना है, रेलवे ट्रैक बनाना है, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमको पैसा खर्च ना करना पड़े, यहाँ पर ये काम प्राइवेट आकर कर ले। यानी कि एक तरीके से ये अपने ऊपर से बर्डन उतारती है, इससे क्या होता है इंप्रूव होता है फाइनेंस, यहाँ पर गवर्नमेंट के पास से पैसे बच जाते हैं और प्राइवेट वाले जो है वो वहां पर अपना इन्वेस्ट करते हैं, फिर जो प्रॉफिट आता है वो यहां पर उससे लेते हैं। इसी के साथ में यहां पर एक कॉम्पिटिटिव देखने को मिलती है मार्केट अच्छी, मार्केट में डिसिप्लिन भी रहता है, कॉम्पिटिशन भी रहता है, क्योंकि जो प्राइवेट वाले होंगे वो हमेशा प्रॉफिट पर फोकस करेंगे, अगर प्रॉफिट नहीं रहेगा तो उनका इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगा। तो इसलिए वहां पर अच्छे तरीके से डिसीजन मेकिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ग्रोथ भी यहां पर बढ़ता हुआ नजर आता है। इसी के साथ में यहां पर इंक्रीज कहता है वाइडर शेयर ओनरशिप, यानी कि प्राइवेट भी अब यहां पर ओनर की तरीके से काम कर रहा है और गवर्नमेंट के पास में तो शेयर ही है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट को बिना ना ज्यादा जद्दोजहद किए हुए अच्छा खासा प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए गवर्नमेंट यहां पर डिसइन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में लगी रहती है। और अगर बात करूं यहां पर बेसिकली इंप्रूव होती है एफिशिएंसी, इसी के साथ में यहां पर एक तरीके से डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है, इसी के साथ में यहां पर बात करें तो मैकेनिज्म इंप्रूव होती है, ग्रेट मार्केट डिसिप्लिन बनता है, जीरो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाता है क्योंकि पॉलिटिक्स नहीं रहती है उसके अंदर में, तो प्राइवेट जो बिजनेस है वो यहां पर बेसिकली मार्केट की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए काम करता है, प्राइवेट जो लीडर है वो बेटर सर्विस प्रोवाइड कराता है कंज्यूमर को, एब्सेंस ऑफ रेंट जो यहां पर बेसिकली बिहेवियर वो रहता है एक तरीके, गवर्नमेंट तो जैसे तैसे जुगाड़ करती है, तो वो सारी चीजें सेट में हो जाती है और एक कॉम्पिटेटिव माहौल यहां पर देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये सारी चीजें आप लोगों को पीएसयू के अंदर आ जाएंगी जैसे ही उसका डिसइन्वेस्टमेंट यहां पर किया जाता है, तो एक अच्छा तरीका आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। पास से लेकर डिसइन्वेस्टमेंट कई बार किए गए हैं, खासकर 2014 से लेकर 2015 में आप लोग जाएंगे तो यहां पर आते ही गवर्नमेंट के द्वारा प्रेजेंट टाइम की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ह्यूज डिसइन्वेस्टमेंट यहां पर किया गया, यानी काफी कुछ यहां पर इनके द्वारा बेच दिया गया आते ही, तो ये कई सारे डिसीजन इनके द्वारा लिए गए। तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ ले कोई, तो आप लोग क्या बोलोगे कि डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो कौन करता है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट प्रीलिम्स के अंदर ही पूछे जा सकते हैं, ईपीएफओ के अंदर अगर आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, तो यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट, यानी कि डीआईपीएम यहां पर ये काम करता है, बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक नोडल डिपार्टमेंट है, किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। यहां पर डीआईपीएम इनके डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट और नीति आयोग दोनों मिलकर यहां पर चेक करते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट होना किस किस का है, यानी कि पीएसयू को चेक करेंगे कि इसका डिसइन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो डीआईपीएम जो सेक्रेटरी है वो को चेयर करते हैं यहां पर इंटर जो मिनिस्टर जो ग्रुप होता है उसको, और इसी के साथ में जो विद सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव जो मिनिस्ट्री होती है वो भी यहां पर मिलकर काम करती है। प्री बिड मीटिंग होती है, यानी कि जब बोली लगाई जानी है कि डिसइन्वेस्टमेंट करना है, कौन खरीदेगा, कौन इसके पर्टिकुलर शेयर लेगा, तो उसके चलते यहां पर एक पर्टिकुलर एक रोड शो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि पोटेंशियल इन्वेस्टर को वहां पर खींचकर लेकर आए। हमने जब यहां पर एयर इंडिया को बेचने की बात की कोई सामने निकलकर ही नहीं आया, उनको लग रहा था कि यार एक बहुत ही ज्यादा डूबी हुई एजेंसी है, हालत खराब हो जाएगी, इसको सुधार दे, तो इसलिए कई बार इन्वेस्टमेंट करने भी लोग नहीं आते हैं। तो डेटा सेंटर की यहां पर बेसिकली सेटअप किया जाता है ताकि जो यहां पर चाहता है उसको खरीदना वो चीजों को अंडरस्टैंड ढंग से कर सके, और इसी के साथ में यहां पर एक तरीके से जब यहां पर बात आती है तो 4 से 5 महीने के अंदर अंदर इस काम को पूरा कंप्लीट करना होता है। तो डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट को फायदा होता है, पर लेकिन ये भी देखना पड़ेगा किस चीज का डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो इसी के चलते यहां पर भी बोला जा रहा है 5.96 लाख करोड़ रुपए यहां पर जरूरत पड़ेगी हमारी कंट्री में, एयरपोर्ट, कोल माइंस, हाईवे, इसी के साथ में अर्बन ट्रैक, यहां पर कई सारी ऐसी चीजें जो है उनमें यहां पर एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो यहां पर बोला गया कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाइपलाइन है इसके लिए लगभग 100 लाख करोड़ की जरूरत पड़ेगी, तो इसी के लिए यहां पर डिसइन्वेस्टमेंट करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये सब बातें हैं तो देखते हैं, पर लेकिन चैलेंज ये भी रहता है अगर फिलहाल प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो सारा कुछ डिसइन्वेस्टमेंट करके चलेगी या फिर सारा कुछ प्राइवेटाइज करके चलेगी, अगर आगे फिर कोई दिक्कत आती है तो उसको कैसे सुधारा जाएगा। अभी तो आप लोग को ऑप्शन लग रहा है चलो इसको बेच देते हैं, ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया एक तरीके से,
अगर नॉर्मल तरीके से देखकर चले कि जैसे कि घर में कोई एक पर्टिकुलर इंसान है जिसको शराब पीने की आदत लग गई है, ठीक है, उसने क्या किया, एक बीघे जमीन बेच दी, दो तीन साल तक शराब पीता रहा, फिर पता चला वो पैसे खत्म हो गए, कमाता कुछ था ही नहीं, फिर से एक बीघे जमीन बेच दी, फिर से शराब पीता रहा, तो शराब पी पीकर सारी जमीन बेच डाली। जब सारी जमीन खत्म हो जाएगी फिर कहां से शराब बेचेगा, कहां से शराब पिएगा, फिर घर में गहने बेचेगा उठाकर। तो इस तरीके से प्रॉफिट मेकिंग जो चीजें कम से कम उसको नहीं बेचना चाहिए। घर में टूटी फूटी कोई रेडियो पड़ी है, कोई टीवी पड़ा है, कोई सामान टूटा फूटा पड़ा है जो यूज करना है, उठाकर उसको बेच दो, अपनी शराब पी लो अगर तुमको पीनी है। हालांकि पीनी तो नहीं चाहिए पर लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी लत नहीं छूट रही है तो प्रोडक्टिव चीजें क्यों बेच रहे हो, ठीक है। तो ये बातें यहां पर देखने को मिलेगी, तो इन चीजों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा जो कि गलत है। इस तरीके से यहां पर चीजों को अंडरस्टैंड करके आप लोगों को चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बारे में यहां पर आप लोग आइडिया रखिएगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और हाँ, जीएस 3 पेपर में आ गया, सेकंड लिखा हुआ गलत है, ठीक है, जीएस 3 पेपर के अंदर आप लोगों का ये पोर्शन बन जाता है। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। ये काफी प्यारा आर्टिकल है, थोड़ा सा डिटेल में आप लोग सुनिएगा, इसके बारे में कई सारी चीजें आप लोगों को यहां पर जानने को मिलने वाली है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, जैसे आज के डेट में जो हमारी कंट्री में कोर्ट है वो टेक्नोलॉजी का यूज करता है, पर लेकिन यहां पर ये बोला गया कि टेक्नोलॉजी जो है वो सब चीजों का सोल्यूशन नहीं है। आप लोगों को यहां पर बेसिकली कुछ ऐसा भी देखना पड़ेगा कि कहां कहां पर क्या क्या दिक्कत आ रही है, तो उनका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अदालतों को अंदर जो भी परेशानी आज के डेट में, जो भी आज के डेट में परेशान करने वाली जो बीमारियां हैं, प्रौद्योगिकी जो है उसके ऊपर ज्यादा निर्भरता रहना और बोले कि रामबाण है, सब चीजों का इलाज है, तो उसके सोच समझकर आप लोगों को चलना पड़ेगा। हो सकता है कभी वो उल्टा भी पड़ जाए। मान लीजिए आज के में जुडिशरी ने बोला सारे केस ऑनलाइन कर दिए, पता चला किसी ने साइबर अटैक किया, सब कुछ ठप पड़ गया, सब कुछ डेटा सारा चोरी हो गया, तो क्या करोगे, तो इसका क्या सोल्यूशन निकल जाएगा फिर, ठीक है। इसी तरीके से किसी के पास में मोबाइल फोन नहीं है तो किसी के पास में इंटरनेट नहीं है तो कैसे काम चलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी का यूज करके जुडिशरी की जो एफिशिएंसी है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो एक प्यारा आर्टिकल है जिसके बारे में हम लोग यहां पर अभी जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं यहां पर इसके बारे में क्या क्या बातें की जा रही है। सबसे पहले इनके द्वारा उदाहरण दिया गया यहां पर कोविन ऐप का। अगर आप लोगों को अपनी कोविड 19 की वैक्सीन रजिस्टर करनी है तो आप लोग इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। ये वेबसाइट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे किसके अंडर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है, ठीक है। तो कोविन ऐप यहां पर विनिंग ओवर कोविड 19, तो ये इसकी टैगलाइन भी है यहां पर है, कि एक तरीके से टैगलाइन आप लोगों से कोई पूछे। अभी यहां पर कोविड 19 का जो ये कोविन ऐप है यहां पर हमारी कंट्री में, जहां पर जाकर आप लोग स्लॉट अपना रजिस्टर कर सकते हैं, उसमें यहां पर ये बेसिकली हेल्प कर रहा है वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड वैक्सीन ड्राइव के लिए भी यहां पर ये आगे निकल कर आ रहा है, एक तरीके से ऐसा बोला जा रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, अगर आप लोगों को जाकर अपना बेसिकली यहां पर रजिस्टर करना है तो आप लोगों को सर्च करना है पिन आप लोगों के एरिया में कहां पर बेसिकली वैक्सीन का सेंटर है, तो अपना पिन कोड डालिएगा, या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, या फिर मैप के बेस पर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर अगर अभी बात करें तो कई सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर आप लोगों के नीचे मैप खुलकर आ जाएगा, उसमें जाकर आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो ये आप लोग अगर यहां पर देख पा रहे हैं तो आप लोग यहां पर देखिएगा, तो आप लोग पिन डालकर ये सब चीजों के हिसाब से आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो बेसिक तरीका यहां पर, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ आप लोगों को यहां पर बेसिकली अपना रजिस्टर कराना है तो आप लोग जाकर रजिस्टर करा लीजिएगा। तो ये जो ऐप है यहां पर, इससे स्टार्ट किया गया आर्टिकल का, इन्होंने ये बोला है कि ये ऐप आप लोगों ने डेवलप तो कर दिया, पर लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके पास में आज के डेट में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो यहां से इनके द्वारा स्टार्ट किया गया कि आप लोगों ने ये ऐप तो डेवलप कर दिया, पर लेकिन ऐप डेवलप करने के बाद में कि आप लोगों ने चेक किया है कि यहां पर किसके पास में डिजिटल लिटरेसी है, क्या कोई मोबाइल चलाना जानता है, दवाई तो सबको लगनी है पर लेकिन सब तो मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि कितने एरिया में लोगों के पास में मोबाइल है भी, पहले तो चलाना फिर है भी क्या मोबाइल वहां पर, क्या इंटरनेट का यूज वहां पर चल पा रहा है, अच्छी खासी इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, क्या रिमोट एरिया में प्रॉपर एरिया में सारी फैसिलिटी आप लोग प्रोवाइड करा पा रहे हैं वहां पर। यानी कि आप लोगों ने बोल दिया कि वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्टर कर लो मोबाइल, ये बेसिकली दवाई, या फिर आप लोग ऐप पर जाकर रजिस्टर कर लो, पर लेकिन जिस इंसान के पास में ना मोबाइल है ना इंटरनेट है, इवन कई सारे एरिया ऐसे जहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, तो वो इंसान क्या करेगा, क्या उसको दवाई नहीं मिलेगी, तो उसके बारे में कौन बात करेगा। तो यही बात यहां पर समझाने की बात की गई है कि आज की डेट में यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब ये केस देखा गया तो इसमें कोविन पोर्टल के बारे में बात की गई, तो ये सामने बातें निकल कर आई। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक आप लोगों का मनसा तो अच्छी है, पर लेकिन रियलिटी में ग्राउंड सिचुएशन आप लोगों ने चेक नहीं की गई और मोहम्मद बिन तुगलक वाला काम हो गया यहां पर। यानी कि एक तरीके से आप लोगों ने सिस्टम तो अच्छी तो अरेंजमेंट की, पर लेकिन सक्सेस क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि लोगों के पास में बेसिक फैसिलिटी नहीं है। तो डिजिटल चीजों के ऊपर यहां पर इतना डिपेंडेंट रहना ये कोई साउंड यानी कि एक अच्छा आइडिया नहीं है। आप लोग कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव भी इसका ढूंढना पड़ेगा, जो लोग यहां पर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं आते उसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से बोला गया जुडिशियल सिस्टम को भी कंपेयर करके यहां पर यहां से आर्टिकल स्टार्ट किया गया कि हाँ हम लोग जुडिशियल सिस्टम को भी कुछ ऐसे लेकर चल सकते हैं। जुडिशियरी हमारी कंट्री में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं। तो ऐसे हमारी कंट्री में एक यूनिटरी जुडिशियरी सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर
बेसिकली जो भी डिसीजन लेता है वो सारे कोर्ट के ऊपर नीचे बाइंडिंग होता है। तो अगर कल को सुप्रीम कोर्ट बोल दे कि ई कोर्ट यहां पर लगेंगे, इंटरनेट के थ्रू आप लोग सारे केस सुन सकते हैं, तो नीचे वाले कोर्ट को मानने मानना पड़ेगा, बेचारों की एक तरीके से दुर्गति है, उनको ये बातें समझनी ही पड़ेगी। अब यहां पर अगर बात करें तो जुडिशरी के द्वारा कई सारे एफर्ट लगाए गए कोविड-19 के टाइम पर इन चीजों को सुधारने के लिए। अगर हम लोग यहां पर बात करें सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया एक न्यू सिस्टम कि ई फाइलिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल रेफरेंस यूज किया जाएगा। इसके चलते एफिशिएंसी बढ़ेगी सुप्रीम कोर्ट की, इनके काम करने का तरीका बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, कोई घपलेबाजी नहीं रहेगी और डिलीवरी एवरीवन तक पहुंच जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कहां पर है आप लोगों को पता है? सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली के अंदर में। पर लेकिन कोई तमिलनाडु का बंदा अगर निकल कर आता है और उसको लगता है यार मुझे भी आज की डेट में अपना केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाना है, तो दिल्ली में से तमिलनाडु का अगर कोई इंसान निकल कर आता है, सोचिए उसको यहां पर दिल्ली के अंदर आना पड़ेगा। आकर कोई यहां पर आसपास में रहने की जगह तो किसी रिश्तेदार के यहां पर रुकेगा या फिर किसी होटल पर रुकेगा यहां पर। इसी के साथ में वकील का एक मोटा फीस उस लोगों को उसको देनी पड़ेगी, अपने घर से दूर रहकर केस लड़ना पड़ेगा। तो कई सारी दिक्कतें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो यानी कि एक नॉर्मल इंसान अगर केस लड़ना चाहता है सुप्रीम कोर्ट में, उसके तो बस की बात ही नहीं है, कोई अमीर धन्नड़ सेठ टाइप का आदमी यहां पर आकर अपना एक तरीके से काम कर सकता है। तो ये इस तरीके से कैसे आप लोग चीजें सुधारोगे? तो जुडिशरी के जो एफर्ट है आज के डेट में वो इसी चीज को लेकर ध्यान में किया जा रहा है कि एक तरीके से आज के डेट में इमरजेंसी के टाइम पर चलो सही है, आप लोग यहां पर इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जुडिशरी का एफर्ट जो है वो ऐसा नहीं है कि आप लोग पेंडेमिक को ही बेसिकली यहां पर टैकल करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज वैसे भी किया जाए। पेंडेमिक तो एक बहाना हो गया, ठीक है, वो नहीं कहते कि मन कर रहा है कि यार कुछ मीठा हो जाए, ठीक है, तो मीठा हो जाए चलो सही है यार, एक ना बच्चे का जन्मदिन है चलो पार्टी रख लेते हैं, सब खा लेंगे मस्त तरीके से पार्टी करेंगे। तो जन्मदिन तो एक बहाना है, बेसिकली चटोरापन दिखाना है, ठीक है, एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। इन्हें कहने का मतलब यहां पर यह है कि कुछ खाने का मन कर रहा है चलो पार्टी कर लेते हैं, ठीक है, तो कुछ बहाना होना चाहिए पार्टी करने का, यार आज ना कुछ पुरानी चीजें याद कर ली उसमें खुश हो गया इंसान, चलो यार वो आज ना बहुत अच्छा दिन है, पुरानी यादें ताजा कर ली, चलो पार्टी कर लेते हैं, अरे हम ऐसे पार्टी क्या करते थे यार, ठीक है चलो एक और पार्टी कर लेते हैं। तो बहाना चाहिए कोई ना कोई पार्टी करने का। तो वही बात हो गई यहां पर कि बहाना था कोविड-19 पर, लेकिन रियलिटी में क्या था? रियलिटी में था कि हाँ इंसानों को यहां पर इंटरनेट को चेक करना था कि क्या इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर तमिलनाडु के अंदर कोई बंदा बैठा है दिल्ली आने की जरूरत ही ना पड़े उसको, वहीं से उसका काम हो जाए तो काफी कुछ सेफ्टी उसको मिल जाएगी। मैसिव बैकलॉग केसेस के देखने को मिल रहे हैं क्योंकि कोविड-19 के चलते कोर्ट भी ठप हो गए थे, दुनिया भर के जो जज थे वकील थे उनको कोविड-19 हो गया, कईयों की जान चली गई। तो इसके चलते यहां पर तो जुडिशियल जो यहां पर वैकेंसीज कई सारी खाली पड़ी रहती हैं, तो जहां पर आप लोग वैकेंसी की बात करें वो और ऊपर से वैक्सीन भी नहीं सबको प्रोवाइड कराएगी, तो दोनों ही चीजें हैं। तो लेटेस्ट विजन जो अभी यहां पर डॉक्यूमेंट फेज थर्ड में इनके द्वारा लाया गया ई कोर्ट प्रोजेक्ट का, उसमें इनके द्वारा डिजिटल जो डेप्रिवेशन है उसको भी यहां पर काउंट किया गया कि हाँ इसको भी आगे लेकर चलना है, जो जो दिक्कतें देखने को मिल रही है। अब इश्यू क्या है अगर आप लोगों से कोई पूछने लगे कि क्या दिक्कत है, क्यों यूज नहीं कर पा रहे हम लोग आज के डेट में इंटरनेट जो यहां पर जुडिशरी के अंदर, जैसे मैं आप लोगों को लेक्चर पढ़ा रहा हूं क्या वहां पर भी तो हम लोग यूज कर सकते हैं, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो बोला गया कि ये एक रामबाण नहीं है, सब चीजों का सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि डेटाबेस प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं, सेफगार्ड आप लोग लेकर चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी है भाई साहब, कल को पता चला क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है। एक तो अभी आप लोग देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि यहां पर इनएडुकेट डिजिटल लिटरेसी है, लोगों के पास में डिजिटल लिटरेसी नहीं है, इनएडुकेट डिजिटल से पेनिट्रेशन नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटी सही तरीके से लेवल कनेक्शन नहीं आता है, ये सारी चीजें पहला रीजन हो गया कि आप लोग इसको अलाउ नहीं कर सकते बिल्कुल की कंपलसरी। ऑल्टरनेटिव आप लोग रख सकते हैं, जैसे मैं बोलूं आप लोगों को कि मुझे एक टेस्ट लेना है, ठीक है, मैं टेस्ट ऑनलाइन भी रखूंगा और ऑफलाइन भी रखूंगा, जिसको कंफर्टेबल लगता है वो ऑनलाइन दे ले, जिसको कंफर्टेबल लगता है वो ऑफलाइन दे ले, तो दोनों ऑप्शन में यहां पर टेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ये ऑल्टरनेटिव हो गया, आप जिसको जो अच्छा लग रहा है वो यूज कर ले, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, मेंटेन करना ई कोर्ट रिकॉर्ड। अगर रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो अभी स्टाफ भी यहां पर इतना ज्यादा डिजिटली ट्रेन नहीं है कि वो यहां पर ई फॉर्म में रिकॉर्ड यहां पर रख सके, इविडेंस रख सके यहां पर एक तरीके से, और उसको लिटिगेंस जो है जो भी यहां पर जा रहा है बेसिकली कोर्ट के अंदर उसको प्रोवाइड करा सके, कोर्ट को प्रोवाइड करा सके, तो इनको सेफ फॉर्म में रख पाना भी पॉसिबल यहां पर नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी। अगर बात करें हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर बात करते हैं आप लोग, तो टेक्नोलॉजी जो है देखिए वो ऐसी नहीं है कि आप लोग बोले कि इस पर कंप्लीटली आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है, पता नहीं कौन कहां पर क्या चोरी करके बैठ जाए, एक से एक हैकर आज के दिन पड़े हुए, जरा सी देर में पलक झपकते ही आप लोगों का सब कुछ गायब हो जाए, तो ये सारी चीजें, तो यहां पर इसके चलते भी आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। इसी के साथ में सेमी अर्बन या फिर रूरल डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, यानी कि गांव वाले एरिया में या फिर जो आधा गांव आधा शहर है ऐसे एरिया के अंदर में आज के दिन में कनेक्टिविटी नहीं है यहां पर, ठीक है, वर्किंग ऐसा एनवायरमेंट भी नहीं है, कई सारे चैलेंज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन हियरिंग कैसे हो पाएगी वहां पर, जब ना तो कोर्ट में यहां पर आज के दिन में बात की जाए, यहां पर अगर वकील कंफर्टेबल हो ना ही जो गवाही देने वाला इंसान कंफर्टेबल हो। कई सारे लोग को ऐसा लगता है यार चीजें ना, मतलब एक को ऐसा लगता है मान लीजिए कोई है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मूवी देख रहा है, ठीक है, एक इंसान है कि नहीं यार थिएटर में ही मजा आता है, ठीक है, एक इंसान को मैं बोलूं कि यार मेरे पास में
बेसिकली बुक है और यहाँ पर पीडीएफ है, तो क्या लेना पसंद करोगे? वो कहता है कि सर हाथ में किताब आ जाए तभी पढ़ने में मजा आता है, पीडीएफ से मजा ही नहीं आता है पढ़ने में। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कि एक इंसान को आदत है कि किताब फिजिकल फॉर्म में हाथ में लेकर ही वो पढ़ पाएगा, पीडीएफ नहीं पढ़ता वो इंसान, क्योंकि उसको एक तरीके से आदत ही नहीं पीडीएफ पढ़ने की। पर लेकिन ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आदत किसी चीज की नहीं होती है। शौचालय हमारी कंट्री बनाई गई, आधे ऐसे लोग थे जिनको घर में शौचालय करने की एक तरीके से घर में फ्रेश होने की आदत नहीं थी, वो बाहर जाया करते थे, ठीक है, ओपन स्काई टॉयलेट यूज करते थे, पर लेकिन आदत बनानी पड़ी, उसके चलते आज के डेट में सब जो है घर में शौचालय यूज कर रहे हैं। तो इसी तरीके से एक टाइम ऐसा था मैं भी फिजिकल फॉर्म में किताब पढ़ता था, पीडीएफ मेरी समझ में ही नहीं आती थी, मुझसे टैकल ही नहीं होती थी, पर लेकिन उसको स्टार्ट किया तो फिर चीजें होने लगी। आज के टाइम पीडीएफ से ही मैक्सिमम काम मेरा निपटता है, ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हैं। तो यहां पर यही कोट बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि यार देखिए चीजें नहीं हो पाएंगी, स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, आज के डेट में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, पर लेकिन ये रिक्वायरमेंट है टाइम की, आप लोग इसको अडेप्ट कीजिए, टाइम के हिसाब से चलिए। अगर टाइम के हिसाब से नहीं चलोगे तो एक डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा कि रुका हुआ तो पानी भी सड़ जाता है, तो जो जो रिक्वायरमेंट है टाइम की उनको आप लोग लेकर चलिए। मान लीजिए आज के डेट में डिजिटल फॉर्म में आप लोगों ने सारी किताबें ले रखी है, अब मान लीजिए कल को COVID-19 आ गया, एक जगह से छोड़कर आप लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ गया, आप लोग कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी जो किताबें आप लोगों के लैपटॉप में पड़ी हुई है, मोबाइल में पड़ी हुई है आप लोगों के, तो इस तरीके से जहां पर चाहे आप लोग उनको उठाकर खोलकर पढ़ सकते हैं, तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फायदे तो हैं, तो ये फायदे यही यहां पर कोर्ट में समझाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए यार फायदे तो हैं, आप लोगों को इनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहां पर फ्रीक्वेंसी, अगर बात करें फ्रीक्वेंसी, जो परफॉर्मेंस ऑडिट, जो भी परफॉर्मेंस हो रहा है उसका ऑडिट करते रहिए, आप लोग चेक करते रहिए कितनी आप लोग यहां पर एक तरीके से जो यहां पर अच्छी खासी परफॉर्मेंस आ रही है, कहां कहां पर कमी है उसको सुधारते रहिए। दूसरा, एविडेंस बेस्ड रेशनल अप्रोच लेकर चलिए, एक तरीके से यहां पर से कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहां पर क्रिमिनल केस निकल कर आ रहा है, कोई भी ऐसी चीजें निकल कर आ रही है, तो उसको देखिए, क्योंकि काफी सारी चीजें जो है वो ट्रायल में पड़ी हैं, तो कैसे आप लोग और अल्टरनेटिव ढेल सकते हैं, ठीक है, तो उन चीजों को देखिए। जो भी यहां पर अनइवन डिजिटल एक्सेस है, वाइड एरिया में आप लोग उस चीजों को देखिए, किस तरीके से आप लोग इंटरनेट जहां पर लिमिटेड है वहां पर क्या कर सकते हैं। इसी के साथ में यहां पर जो वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, हाई कोर्ट के अंदर 38% वैकेंसी खाली पड़ी हुई है 2018-19 के हिसाब से चले, लोअर कोर्ट के अंदर 22% खाली पड़ी हुई है। अभी अगर जो अगस्त 2021 के बारे में बात करूं, तो अगर हाई कोर्ट के अंदर 10 पोस्ट है तो 4 पोस्ट खाली पड़ी हुई है, और भी ज्यादा यहां पर वैकेंसी हो गई है फिलहाल। अगर नॉर्मली मानता है कि 50% के करीब या फिर 40% के करीब जो वैकेंसी है वो खाली पड़ी हुई है, तो उनको भरिए, जब जज ही नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा, चाहे ऑनलाइन बैठ लो चाहे ऑफलाइन बैठ लो, बिना जज के आप लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आगे अगर बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि आज की डेट में जो टेक्निकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं देखने को मिलेगा, कहीं कंप्यूटर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो कहीं पर आप लोगों को बिजली नहीं देखने को मिलेगी, कहीं पर आप लोगों को ये सारी फैसिलिटी नहीं है, इंटरनेट के कनेक्शन में दिक्कत हो गई केस चलते चलते, और दिक्कत आ गई, पता चला सिस्टम में कुछ खराबी आ गई, पता चला वायरस आ गया, तो यानी कहने का मतलब ये कि जो डेफिसिट है उसके ऊपर आप लोग काम कीजिए, तो एक दुरुस्त सिस्टम आप लोग लेकर आ सकते हैं, तभी आप लोग प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो ये हो गया यहाँ पर आप लोगों का आर्टिकल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, बेसिकली इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, ये वल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, गिद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वल्चर गिद्ध के बारे में अगर आप लोग बात करें, तो यहां पर इसके बारे में हम लोग समझेंगे क्या क्या बातें बेसिकली की जा रही है, इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, बेसिकली क्वेश्चन अगर बन जाए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, और मैं कर क्या रहा हूं, ये छोटी छोटी सी गलतियां बार बार कर देता हूं, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। ये जो आर्टिकल है आप लोगों का पेपर थर्ड के अंदर आएगा, ठीक है, पेपर थर्ड के अंदर आर्टिकल आएगा, और यहां पर ये कंजर्वेशन के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट जो पॉलिसीज है इंटरवेंशन उसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है, इनको चेंज कर दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो यहां पर ये चेंज करना भूल गया मैं। आप लोगों ने रामायण किस किसने देखी है, यस या फिर नो, जिसने रामायण देखी है वो यस या नो में आंसर दीजिए। रामायण में आप लोगों ने देखा होगा जटायु, ठीक है, ये जटायु आप लोगों ने देखा होगा, बेसिकली ये गिद्ध था, ठीक है, तो यहां पर इसको काफी रेस्पेक्ट से देखा जाता है। जब रावण सीता को लेकर अपहरण करके यहां पर जा रहा था, तो जटायु ने कोशिश की तो इसके पंख वगैरह काट दिए गए, इसको काफी ज्यादा चोट नुकसान झेलनी पड़ी, तो इसके चलते काफी ज्यादा प्रॉब्लम निकल कर आई, तो काफी रेस्पेक्ट से हम लोग रामायण के अंदर यहां पर बेसिकली जटायु साहब को देखते हैं। पर लेकिन क्या रियल लाइफ में हम लोग इतनी रेस्पेक्ट देते हैं यहां पर गिद्ध को, तो यहां से आर्टिकल स्टार्ट किया गया है। आप लोगों को यह बताना है ये किस किसने देखा है और कहां पर ये लोकेटेड है, क्या ये अपने ही देश में या फिर कहीं फॉरेन में है, पहले तो आप लोग यही बताइए, अपने ही देश में है यहां पर, अपनी ही कंट्री में है, अगर अपनी ही कंट्री में है तो सी लिखिएगा, अगर फॉरेन में है तो एफ लिखिएगा, बाकी यहां पर अगर अपनी ही कंट्री में है तो कहां पर लोकेटेड है उस जो बेसिकली राज्य का नाम लिखिएगा, और सिटी का भी लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर फॉरेन में है तो कहां पर लोकेटेड है उस आप लोगों कंट्री का नाम लिखना है, ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है। बेसिकली ये जटायु की एक काफी शानदार पिक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ये
हमारी कंट्री में एक तरीके से रेस्पेक्ट शो करने की कोशिश की जाती है, पर लेकिन जो राइटर हैं वो यहाँ पर कई सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कंट्री में आगे अगर आप लोग बात करिए तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसमें यहाँ पर बोला गया कि वल्चर एक्शन प्लान। तो आप लोगों से कोई डायरेक्ट पूछ ले वल्चर एक्शन प्लान कब से कब तक का है, तो 2020 से लेकर 2025 तक का है वल्चर एक्शन प्लान, जिसमें वल्चर यानी कि जो गिद्ध है कंट्री के अंदर उनको कंजर्व किया जाएगा। क्यों कंजर्व किया जाएगा, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई अगर आप लोगों से कोई पूछने लगे, तो इसका रीजन है काफी खतरनाक। आप लोग जो कि इंसानों की जो गंदी हरकतें होती हैं वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो इंसानों की गंदी हरकतें हैं कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों के सामने आ चुकी है, याद रखिएगा इसके बारे में। एक दवाई है जिसका नाम है डाइक्लोफिनेक, ठीक है। तो डाइक्लोफिनेक बेसिकली जानवरों को दी जाती है यहाँ पर ये दवाई, जब जानवर जो है उनको कोई भी यहाँ पर दिक्कत होती है, खासकर उनके अंदर कोई पेन होता है या फिर कोई इन्फ्लेमेटरी जो बीमारी होती है उनको बेसिकली, तब यहाँ पर उनको ये दवाई दी जाती है। तो आप लोगों को पता है गिद्ध काम क्या करते हैं, गिद्ध बेसिकली जो भी गला सड़ा मांस वगैरह जो भी आप लोगों को एनवायरमेंट के अंदर देखने को मिलते हैं उसको खाते हैं। जानवरों को मारकर फेंक दिया, जहां पर कमेले टाइप में होते हैं ना जानवरों को काटा जाता है, वहां पर गिद्ध आप लोग काफी ज्यादा देखने को मिलते थे। पर लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर ये जो दवाई है जिसका नाम है डाइक्लोफिनेक, ये दवाई बेसिकली जानवरों को दी जाती है। अब जब जानवर वो जब मर जाते हैं, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, जब उनको यहाँ पर गिद्ध खाते हैं तो गिद्ध एक तरीके से साफ सफाई का काम करते हैं, तो यहाँ पर जब गिद्ध उसको खाते हैं तो 99% जो यहाँ पर बेसिकली ये डाइक्लोफिनेक जो है ये यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर वल्चर की पॉपुलेशन को खत्म करके चली गई। यानी कि जितने सारे गिद्ध थे जो जानवर खा रहे थे, तो ओनली 10 साल के अंदर लगभग बोला जाए लगभग यहाँ पर 1990 से लेकर अगर आप लोग बात करें 2005-06 तक ही यहाँ पर 5-6-7 तक यहाँ पर काफी कुछ बर्बाद हो गया यहाँ पर, जो खासकर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में यहाँ पर ही आ गई। यहाँ पर कई सारे कैटेगरी में आप लोग इनको देख सकते हैं, ये अलग अलग टाइप के हैं। ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड गिद्ध देखने को मिलेगा, लॉन्ग बेल्ड, इसी के साथ में सिलेंडर बेल्ड जो गिद्ध आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये टोटल मिलाकर 9 कैटेगरी में यहाँ पर गिद्ध आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। 2001 से लेकर 2016 तक का यहाँ पर फिर इफर्ट डाला गया चीजों को सुधारने के लिए, तो बोला गया कुछ गिद्ध की संख्या जो है वो बढ़ गई है, ठीक है, नॉर्मल तरीके से। 9 वल्चर स्पीसीज इंडिया के अंदर पाई जाती है, 5 जो यहाँ पर 5 और 6 जो है यहाँ पर वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फंड कर रही है यहाँ पर गिद्ध को बेसिकली सही करने के लिए, इनकी संख्या बढ़ाने के लिए। हरियाणा, आसाम और कई सारे एरिया खासकर वेस्ट बंगाल के अंदर भी काम किया जा रहा है, इनको मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर गिद्ध खत्म हो गए तो उससे कई सारी दिक्कतें आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 9 की 9 स्पीसीज के बारे में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग इनके नाम एक बार देखते हैं। ओरिएंटल वाइक बैक हो गया यहाँ पर, लॉन्ग बाइल्ड जो सिलेंडर, ये इसी के साथ में यहाँ पर सिलेंडर बाइल्ड हो गया, ये हिमालयन रेड हेडेड, इसी के साथ में इजिप्टन, तो ये सारे इनके नाम है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, हल्का सा आइडिया रख लेगा, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को कई तो 4 तो इनमें से क्रिटिकल डेंजर में देखने को मिलेंगे, 1 इंडेंजर्ड, 3 नियर थ्रेटन की कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। तो अभी हमारी कंट्री में जब यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिली तो बोला गया कि यार इसको सुधारना है, ठीक है, तो डाइक्लोफिनेक जो दवाई है इसके ऊपर रोक लगाएगी और इसका कोई अल्टरनेटिव, इसका अल्टरनेटिव खोजा गया, तो इसके चलते एडिशनल चीजें यहाँ पर की गई, एक सर्वे वगैरह भी कंडक्ट कराया गया। तो कुछ बातें समझ लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें आज की डेट में, तो यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर सेव के नाम से भी यहाँ पर काम किया जा रहा है। सेव क्या है यहाँ पर, सेविंग एशियन वल्चर फ्रॉम एक्सटेंट, यानी कि एक्सटेंट यानी खत्म होने से उनको सेव करना है, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर संघ बनाए गए, कंसोर्टियम बनाए गए लाइक माइंडेड पीपल के, जैसे मैं बोलूँ ना सब एक जैसे जो सोच के विचार है वो एक जैसे रहते हैं। जैसे आप लोग ये लेक्चर क्यों देखते हैं, क्योंकि आप लोग मेरे साथ मिलकर काम करते हैं, आप लोग पढ़ाई करते हैं, आप लोगों को लगता है जो मैं पढ़ाता हूँ वो आप लोगों को फायदा पहुंचाता है, एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, आप लोगों की समझ बढ़ती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा और आप लोगों का दिमाग जो है वो एक फ्रीक्वेंसी में काम करता है, आप लोगों को जो मैं पढ़ाता हूं आप लोग समझ पाते हैं। कई सारे टीचर जब पढ़ाते हैं कई सारे बच्चे फ्रीक्वेंसी में मैच नहीं कर पाते, खासकर जब नया बच्चा कोई चैनल पर आता है वो मैच नहीं कर पाते, उसको लगता है मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है, पर लेकिन यहां पर जब कुछ दिन देखता है तो उसको लगता है कि यहां सही चल रही है चीजें, तो इस तरीके समझ सकते हैं। तो लाइक माइंडेड पीपल एक साथ में आ गए, रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन साथ में आ गए, इसी के साथ में कोऑर्डिनेट किया गया कंजर्वेशन के लिए, कंपेन किया गया फंडिंग के लिए, एक तरीके से एशियन वल्चर को कैसे आगे लेकर चलना है, कई सारे प्लान बनाए गए, 3 क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो स्पीसीज है उनके ऊपर ध्यान दिया गया, सेव पार्टनर के अंदर में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बर्ड कंजर्वेशन नेपाल, इसी के साथ में RSPB UK, नेशनल ट्रस्ट जो नेशनल ट्रस्ट फॉर नेचर कंजर्वेशन नेपाल, इंटरनेशनल सेंटर फॉर बर्ड ऑफ प्रे UK, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है इंटरनेशनल लेवल पर जो गिद्ध को सेव करने के लिए, क्योंकि गिद्ध अगर नहीं बचे तो फिर इंसान भी नहीं बचेंगे, महामारी बीमारी दुनिया भर की देखने को मिल जाएंगे, इसलिए इनको यहां पर आप लोगों ने देखा होगा
बेसिकली यहाँ पर इनको नेचर क्लीनअप क्रू के नाम से भी आप लोग बोलते हैं, यानी कि एक तरह समाज को साफ करने वाला। गिद्ध जो है उसको एक तरीके से वाइल्ड लाइफ के अंदर जो डिजीज होती है उनको भी चेक रखता है, क्योंकि अगर कोई भी जानवर मरा गरा सड़ा अगर जंगल में अगर सड़ गया, सोचिए आप लोग कहीं पर बाढ़ आ गई, कुछ और दिक्कत देखने को मिल गई, दुनिया भर के जानवर मर जाते हैं, गिद्ध आकर उनको सफाचट करते हैं वरना बीमारी देखने को मिल जाए। तो इन्वायरमेंट नेचर सोसाइटी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है गिद्ध, तो गिद्ध को प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है, लेकिन आज की डेट में इनकी संख्या काफी कम हो चुकी है, तो इसके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए। तो ये बातें बोलेगी है, ठीक है। आप लोग ही क्या रहे इसको लेकर आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, जो बेसिकली चाहिए थी मैंने आप लोगों को बताई यहाँ पर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो डेटा के बारे में, आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि हमारी कंट्री में जब 24 मार्च को लॉकडाउन लगा तो ये नहीं देखा गया क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बस सडन लॉकडाउन कर दिया गया। 40 मिलियन माइग्रेंट वर्कर जो थे वो दिक्कत में आ गए यहाँ पर, एक तरीके से उनकी जॉब चली गई यहाँ पर, उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ा काफी ज्यादा। गवर्नमेंट से पूछा गया कितने माइग्रेंट वर्कर की जान गई, तो गवर्नमेंट ने कहा कोई डेटा नहीं है, ठीक है। फ्रंटलाइन वर्कर काफी सारे मरे, गवर्नमेंट से पूछा गया कहाँ है डेटा, तो कोई डेटा नहीं है। तो दुनिया भर की दिक्कतें देखने को मिली यहां पर अगर देखे जाए तो, उसी के बारे में बात की जा रही है। गवर्नमेंट से पूछा पार्लियामेंट के अंदर मॉनसून सेशन के अंदर कि बताइए मैनुअल स्कैवेंजिंग से कितने लोगों की जान जा रही है, पहले तो बोल दिया जीरो और फिर बोला कोई डेटा ही नहीं है। अगर पूछ जाए लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से कितने लोगों की जान चलेगी, गवर्नमेंट ने बोला नो इन्फॉर्मेशन। पूछ जाए फार्मर की कितनी डेथ होगी जब जो प्रोटेस्ट चल रहा है, गवर्नमेंट ने बोला नो इन्फॉर्मेशन। गवर्नमेंट ने इवन यहां तक भी डेटा प्रस्तुत करना बंद कर दिया जो डेटा किसान सुसाइड करते थे फेलियर क्रॉप की वजह से, यानी कि क्रॉप यानी कि फसल फेल हो जाती थी, तो वो डेटा भी प्रस्तुत करने से मना कर दिया। इकोनॉमिक लॉस कितना हुआ इंटरनेट शटडाउन जो अलग अलग एरिया में देखने को मिला कई बार, वो मना कर दिया, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में माना जाता है कि शटडाउन की वजह से जो आईटी सेक्टर है वो कंप्लीटली ठप हो गया, दुनिया भर के लोग कौन काम कर रहे थे आज में वो काम नहीं कर पा रहे हैं। पार्लियामेंट्री क्वेश्चन के अंदर वैक्सीन शॉर्टेज के बारे में पूछा गया, तो बोला गया नहीं वैक्सीन सब जगह अवेलेबल है, जबकि कई जगह जो सेंटर है उनको भी शटडाउन किया गया। तो इस तरीके से बोला जाता है कि क्या इस तरीके से डेटा को छिपाना ये सही बात है, इसको बेसिकली डेटा पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता है। डेटा पॉलिटिक्स का मतलब कि एक तरीके से लोगों को उतना ही दिखाओ जितना उनको कंफर्टेबल फील कराए। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा दुनिया भर के लोगों की जान गई, पर लेकिन उनके सामने ये नहीं दिखाया गया कि कितने सारे लोग मर चुके हैं, वो सारा डेटा उनसे छिपाया गया, तो ये बुरी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो संविधान के किस आर्टिकल से रिलेटेड है, आप लोग ये बताइए। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जनता को अगर नॉलेज ही नहीं रहेगी, जनता अवेयर ही नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा, तो जनता के लिए अवेयरनेस काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये डेटा है तो इसी का यहां पर रिप्लाई करते हुए निकाले कि कुछ एरिया ऐसे भी हैं कि जहां पर डेटा अच्छी तरह प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डेटा बिल्कुल ही प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, डेटा प्रस्तुत भी किया जा रहा है, पर लेकिन डेटा प्रस्तुत वहीं पर ही किया जा रहा है जहां पर डेटा की रिक्वायरमेंट है प्रस्तुत करने की, यानी कि जो जनता को दिखाने के लिए डेटा प्रस्तुत कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो वो उसका रिप्लाई बेसिकली यहां पर इस आर्टिकल में दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रखिएगा, मतलब एक हल्का सा तो आइडिया कम से कम आप लोगों को होना चाहिए अगर इस तरीके से क्वेश्चन बन जाए तो, कहने का मतलब ये है, ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यहां पर एक आर्टिकल है ये बात कर रहे हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बारे में। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं, तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं पहले इसके बारे में। देखिए हमारे देश में आप लोगों को एक कंडीशन देखने को मिलेगी, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये मान लीजिए आप लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर आप लोग वोट डालते हैं वो पर्टिकुलर ए नाम की कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस ए नाम की कॉन्स्टिट्यूएंसी में यहां पर 5 मेंबर उठ गए जो कि बेसिकली जिनको इलेक्शन लड़ने हैं, ठीक है। और टोटल मिलाकर यहां पर कितनी वोट है, टोटल मिलाकर यहां पर 100 वोट है, ठीक है। तो अगर आप लोग देखें यहां पर, वैसे तो पांचों के हिस्से में अगर बात करें हम लोग इक्वल वोट आ जाए तो कितनी वोट आ जाएंगी, तो 20-20 वोट मतलब सबको मिल जाएंगी, 20-25-100 वोट हो गई, ठीक है। तो सबके हाथ में बेसिकली 20-20 वोट आ गई, पर लेकिन आप लोग ये सोचिए किसी भी एक मान लीजिए 3% के हाथ में कितने आ गए यहां पर, 20-20 वोट आ गई, ठीक है। तो 60 वोट होगी यहां पर, ये 3% के हाथ में 20-20 वोट आ गई, तो यहां पर ये टोटल मिलाकर 60 वोट होगी, ठीक है। पर लेकिन अगर आप लोग ये देखिए जो बचे हुए 2% है जिनके हिस्से में 20-20 वोट आनी थी, अगर उनमें से एक के हिस्से में 25 वोट आ गई और एक के हिस्से में 15 वोट आ गई, ठीक है। तो सबको अगर आप लोग मिलाइएगा तो मैक्सिमम 3 के हिस्से में 20-20-20 आ गई, एक के हिस्से में 15 आ गई और एक के हिस्से में 25 आ गई। अब जीता कौन, जीता 25 वाला जीत गया ना, क्योंकि पांचों में सबसे ज्यादा वोट 25 वाले को मिली, 25 वोट मिल गई इसको। पर लेकिन 25 वोट तो इसको मिल गई, बाकी की बची हुई क्या रहेगी, 75 वोट रह गई। तो यहां पर क्या हो गया, एक ऐसा पर्सन जीतकर आ गया जो बेसिकली माइनॉरिटी वोट से जीता है, यानी कि 75 जो लोग हैं उन्होंने इस पर्सन को वोट दी ही नहीं है, ओनली 25 लोगों ने इस पर्सन को वोट दी गई है। तो इसलिए कई बार क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखाता है लोगों की, क्योंकि जो भी यहां पर जीतकर जा रहे हैं पार्लियामेंट में, कोई 20% वोट जीतकर जा रहा है, कोई 25% और कोई 30%,
यहां पर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो कि 50% वोट जीतकर वहां पर जा रहा हो। तो इसके चलते ये कहा जाता है कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो लोगों की अच्छी नहीं हो पाती है पार्लियामेंट के अंदर। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर है वो जीतकर चला गया। अब मान लीजिए दूसरे एरिया यहां पर ये जो सबको जिसने वोट डाली यहां पर इसमें से कोई एक माइनॉरिटी वाला एरिया है जिसने एक वोट डाली, ठीक है, अब उसकी रिप्रेजेंटेशन भी देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से उसके इशू को कोई उठा भी नहीं पाएगा पार्लियामेंट के अंदर जाकर, जब यहां पर उसको वोट ही नहीं दी गई, एक तरीके से वो जीता ही नहीं है। तो ऐसा सिस्टम हमारी कंट्री में फॉलो किया जाता है और यूके में फॉलो किया जाता है। तो यूके वाला सिस्टम हम लोगों ने उठा लिया। आसान आखिर सिस्टम फॉलो करना क्यों स्टार्ट किया, ये माना जाता है कि ये आसान रहता है, लोग इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पर लेकिन इसका क्रिटिसिज्म अभी यहां पर जो देखने को मिलता है वो यही है कि ये सिस्टम जो है वो अप टू द मार्क जो है वो रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इसके बारे में हम लोग को थोड़ा सोचना चाहिए कि यहां पर हम लोग को ये सिस्टम यूज करना है या इसकी जगह दूसरा सिस्टम हम लोग को यूज करना है जिसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। हमारी कंट्री में जब राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं तो वहां पर यूज किया जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो क्या हम लोग को वो यूज करना चाहिए या फिर जो चल रहा है इसी को चलते देना चाहिए, तो इसी के ऊपर यहां पर ये डिबेट डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कॉन्सेप्ट कम से कम आप लोग याद रखिएगा। वैसे पॉलिटिक के अंदर मैंने सारी चीजें डिस्कस किया डिटेल में, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक के अंदर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप लोग जाकर तुरंत इसको देख ले कीजिए। आइए अब यहां पर हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे बेसिकली प्रीलिम्स फोकस डिस्कशन के बारे में। अभी यहां पर कांग्रेस के अंदर गहमागहमी चल रही है, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये देखने को मिलेगी, कांग्रेस जो है वो संभाल ही नहीं पा रही है, अपने जो भी स्टेट है वो टूटते जा रहे हैं आपस में ही। कांग्रेस में पंजाब के अंदर देख लीजिए अभी सेम कंडीशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ के अंदर तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है यहां पर आप लोग देखते हैं जो कि यहां पर मध्य प्रदेश से अलग किया गया था 2000 में, याद रखिएगा, ये आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। तो यहां पर जैसे यहां पर बिहार से झारखंड निकाला गया था, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकाला गया था, ऐसे ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकाला गया था। तो ये एक साथ में यहां पर ये फॉर्मेशन हुई, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ को कितने राज्य टच करते हैं ये आप लोगों को बताना है। अभी यहां पर बेसिकली बात की जा रही है इनएक्सेसिबल यूआईडीआई सिस्टम, यहां पर आधार यूजर जो है वो दिक्कत में आ गए हैं। अभी फिलहाल आप लोगों ने देखा कि यहां पर पैन कार्ड को लेकर दिक्कत, सॉरी अभी इनकम टैक्स को लेकर दिक्कत चल रही है। अभी यहां पर पैन कार्ड का कनेक्ट करना था आधार कार्ड के साथ में, वो दिक्कत है, उसके साथ में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, वो सारी दिक्कत है। तो कई सारी दिक्कतें निकल कर आ रही है। तो आईटी का ढांचा कैसा है हमारा, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है। वैसे हम लोग बोले कि आईटी में काफी हम लोग वो संपूर्ण कंट्री है, पर लेकिन रियलिटी में कुछ और ही रिजल्ट यहां पर निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर पीएम केयर के बारे में। तो पीएम केयर बोला जा रहा है कि कैन पीएम केयर हेल्प कोविड जो ऑर्फन, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बात पूछी गई है। तो पीएम केयर है क्या, यहां पर इसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर जो केयर फंड बोलता है, फुल फॉर्म है इसकी पीएम केयर, जो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, तो पीएम केयर नाम दिया गया। मार्च में लॉन्च किया गया कोविड-19 पेंडेमिक के चलते कि यहां पर फंड इकट्ठा किया जाए ताकि लोगों की हेल्प की जाए। तो प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। तीन मेंबर देखने को मिलेंगे जो इसके डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन और ये तीन इसके मेंबर होते हैं। इसमें माइक्रो डोनेशन आप लोग कर सकते हैं, इवन 10 रुपए तक का भी आप लोग इसके अंदर डोनेट कर सकते हैं। इसी के साथ में जो डिजास्टर मैनेजमेंट और जो रिसर्च के लिए बोला था ये फंड यूज किया जाएगा। पीएम केयर में अगर आप लोग डोनेट करते हैं तो यहां पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, आप लोग की जो इनकम जाएगी, यानी कि 80G जो फॉर्म है इनकम टैक्स के अंदर, यहां पर उसके अंदर आप लोगों को एग्जेम्पशन मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के द्वारा बोला गया कि जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप लोग देते हैं पैसा तो उसमें उसको काउंट किया जाएगा, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा अगर कोई यहां पर कंपनी पैसा देती है तो। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड था इससे पहले, जो कि 1948 में क्रिएट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। यह यूज किया गया केरला के फ्लड में, साउथ इंडिया के अंदर यहां पर जो फ्लड आई कई बार यहां पर अलग अलग एरिया में, वो पैसा यूज किया गया, जो कि फर्स्ट जो यहां पर हमारी कंट्री का फंड था और यहां पर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्रिएट किया गया था। अभी यहां पर पीएम केयर जो है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा क्रिएट किया गया, ठीक है। तो ये दो फंड है यहां पर जो काफी इंपॉर्टेंट, इनके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है ड्रोन के बारे में। तो ड्रोन से रिलेटेड यहां पर स्टार्टअप को बढ़ाने की बात की जा रही है, यानी कि ड्रोन के फील्ड में आकर लोग काम करें, उसको आगे लेकर चला जा सके, तो इसी के ऊपर यहां पर काम करने की कोशिश की जा रही है। तो ड्रोन का सिस्टम अगर हम लोग डेवलप कर पाते हैं तो आने वाले टाइम में काफी कुछ यहां पर, जैसे कि दवाइयों की भी डिलीवरी करनी है, सर्विलेंस करना है कहीं पर, और भी बहुत सारी चीजों में ड्रोन का यूज किया जा सकता है। अलग अलग तरीके के ड्रोन होते हैं, इसको अनमैन्ड एयर व्हीकल के नाम से आप लोग जानते हैं, अनमैन्ड एयर व्हीकल, ठीक है। तो याद रखिए इसके बारे में, अंडमैन एयर व्हीकल के नाम से इसको आप लोग बोलते हैं, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन बेसिकली इसके बारे में पूछ लिया जाता है। अफगानिस्तान में जो भी कंडीशन चल रही है, जयशंकर साहब बोल रहे हैं कि वेट एंड वॉच के पॉलिसी में हम लोग वहां पर ध्यान रखे हैं, पूरा टेंशन करने की कोई बात नहीं है, सब चीजों पर ध्यान है। अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं यहां पर, यह चागोज आइलैंड,
चागोस आइलैंड क्वेश्चन बन जाएगा किस किस कंट्री के बीच में, यहां पर ये बेसिकली डिस्कशन में रहता है। यूएन बैंस जो ब्रिटिश जो स्टैंप होते हैं चागोस आइलैंड में बैन कर दिए गए हैं यूएन के द्वारा, क्यों? क्योंकि ये जो आइलैंड है ये बोला जाता है कि आइलैंड है मॉरिशस का, ठीक है, पर लेकिन ब्रिटेन बोलता है कि मेरा आइलैंड है, तो एक तरीके से ये रीजन भी है डिस्कशन का दोनों के बीच में। और हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इंडियन ओशन के अंदर में है। जो चागोस आर्किपेलागो जो है, जो आइलैंड का जो समूह है यहां पर, ये बेसिकली मॉरिशस का है, पर लेकिन बोलता है यूके ये मेरा है, ठीक है, तो इसके चलते दोनों के बीच में झड़प रहती है। तो आइडिया रखेगा, बाइडन जो है वो भी बोल रहे हैं काबुल एयरपोर्ट के ऊपर जो चीजें हैं नजर रखे हुए हैं, नजर रखने से क्या होगा, वहां पर तबाही चल रही है, तुम नजर रखते रहो। चलिए जो भी है, कोविड यहां पर, कोविड जो हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट है कोविंद, जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं, उनके द्वारा जो 9 जज अभी अपॉइंट किए गए हैं, तो उनको बेसिकली क्लियरेंस दे दिया गया, साइन कर दिया गया उनकी अपॉइंटमेंट पर। तो यहां पर अभी हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर जो जजों की संख्या है वो है 34, ठीक है, पर लेकिन अभी यहां पर 9 आने के बाद में 33 ही होती है, एक पोस्ट अभी खाली है यहां पर, ठीक है, तो ये यहां पर याद रखिएगा। अच्छा, जब अपॉइंटमेंट किया जाता है यहां पर जजेस का सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर, तो कौन कौन से आर्टिकल यूज किए जाते हैं, ये मैंने अभी डिस्कस किया था आप लोगों से, रिवीजन हो जाएगा। इंडिया जो है वो यहां पर मालदीव के अंदर काम करने वाला है, बेसिकली ब्रिज बनाने का काम करेगा आइलैंड को कनेक्ट करने का, तो ये एक बेसिकली दिक्कत होगी, ठीक है। ये यहां पर देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन आप लोगों से मैंने पूछा पेगासस स्पाईवेयर के बारे में, तो अगर आप लोगों ने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो इनकरेक्ट पूछा गया यहां पर, ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछा गया, तो आंसर क्या हो गया, आंसर फर्स्ट सही हो गया, सेकंड तो सही था, पर लेकिन आप लोग क्या लगाएंगे, सेकंड लगाएंगे, तो इसलिए बोलता था क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहां पर मार्शल आइलैंड, तो मार्शल आइलैंड के बारे में देखें, तो ये एग्जैक्टली यहां पर चाइना हो गया, फिलीपीन हो गया, इंडोनेशिया हो गया, तो यहां पर मार्शल आइलैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली मार्शल आइलैंड के बारे में क्वेश्चन पूछ जाए तो कंफ्यूज मत होना। तो पूछा गया था लोकेशन कहां पर है, तो लोकेशन है ए, यानी कि आप लोगों को देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशन के अंदर में, ठीक है। इसी के साथ में एक और क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि आईएनसी के द्वारा फर्स्ट टाइम जब नेशनल एंथम गाया गया था तो कहां पर गाया गया था, तो याद रखिएगा ये पहली बार कोलकाता सेशन में गाया गया था 1911 के अंदर में, ठीक है। इस टाइम पर यहां पर जो इसके प्रेसिडेंट कौन थे, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इधर टोटल आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया है। लेक्चर कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को डिसलाइक कर बताइएगा कि आप लोगों को पसंद नहीं आई है, लाइक कर आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों को पसंद आई है, और 10 में से कितने मार्क्स देंगे, तो 4-5 घंटे की जो मेहनत होती है 4-5 सेकंड में आप लोग यहां पर बेसिकली रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार, तब तक के लिए जय हिंद।